महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अनंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं को पाच से मुक्त कराने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है, क्योंकि पशु अज्ञानी और पाच अचेतन है। प्रधान परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है। पशु, पाच और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्म वेता पुरुष योनि से मुक्त होता है। क्षर और अक्षर, ये दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या महेश्वर ही व्यक्ता व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले हैं। भोक्ता, भोग और प्रेरक, ये तीन ही तत्व ज्ञान जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुष के लिए इनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु जानने योग्य नहीं है। सृष्टि के आरंभ से ही एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब ओर नेत्र हैं, सब ओर मुख हैं और सब ओर भुजाएं हैं और सब ओर चरण हैं। ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। ये प्रभु अज्ञान अंधकार से परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इनमें अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान और कुछ भी नहीं है। यह सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब ओर हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोक में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। ये संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाले हैं, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित हैं। सबके स्वामी, शासक, शरणदाता और सुहद्र हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सबको जानते हैं, किंतु इनको परिपूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो वृक्ष के कर्म रूप फल का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीवात्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। जब वह कभी भक्त कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर का और उनकी महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद, यज्ञ, कृंत तथा भूत, वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व का वह माया भी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह माया भी हैं। ये विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा हैं, जो सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंदमय अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गुण भाव से स्थित हैं। विनयशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं, वे महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण हैं। ये प्रतापी महेश्वर इस जगत में समष्टि भूत और इंद्रिय वर्ग रूप एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं, फिर अंत में संहार करके सबको अनेक प्रकार से एक में परिणित कर देते हैं तथा पुनः सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी दिदीप्तमान होता है, उसी प्रकार ये भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव को जो जानते हैं
वे शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात परात्पर ब्रह्मा हैं। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा हैं, स्तुति के योग्य हैं। प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय हैं। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर के हम उपासना करते हैं, जो काल आदि से परे जिनमें यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति, उन भुवनेश्वर के भी ईश्वर महादेव को हम सब परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिया तथा मन रूपी कारण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक पराशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई हैं। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उनका ना कोई स्वामी है, ना कोई निश्चित चिन्ह है, ना उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का भी कारण होता हुआ उनका अधीश्वर भी है। उनका ना कोई जन्मदाता है, ना जन्म है, ना जन्म के माया मलादी हेतु ही है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुहा रूप से व्याप्त है। वह सभी भूतों की अंतरात्मा और धर्माध्यक्ष कहलाता है। वह सभी भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेकों विवश आत्मा निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन, वह एक है, कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य और योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परमेश्वर को जानकर जीव संपूर्ण पाशों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण विश्व के दृष्टा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के भी दृष्टा संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न करने वाले उन महेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो शम दम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य ना हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति हो, जैसे परमेश्वर में है वैसे ही गुरु में भी है। उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्यमय अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप में यह सिद्धांत की बात सुनो। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुनः सबको आत्मसात कर लेते हैं।